आज मैं सोया चाप मसाला इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके लिए मैं अपने शो में मास्टर शेफ विनोद सैनी को बुलाना चाहूंगी, जो आपको मुझे इस पैसे के साथ में सोया चाप कैसे बनता है वो आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों। सो पूजा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? सोया चाप। जो आपने नया मसाला इंट्रोड्यूस किया सोया चाप मसाला, इज वेरी गुड। आई ऑलरेडी ट्राई विद डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सोया चाप मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए चॉप ऑनियन, बारीक कटा हुआ प्याज, चॉप धनिया, टमाटो प्यूरी, क्रीम, नमक, चॉप टमाटोज, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और कसूरी मेथी और सोया चॉप। सोया चॉप को यहाँ पे अपने आई थिंक हल्का फ्राई करके और फिर उसको पानी में डालना, ताकि उसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। सोया चॉप आजकल बहुत ही पॉपुलर है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं एंड इट्स वेरी गुड न्यूट्रिएंट वैल्यू इन दिस। एंड मैं कहूँगा कि नॉनवेज जो लोग नहीं खाते, उनके लिए सबसे अच्छा ये सब्स्टिट्यूट है, गुड प्रोटीन वैल्यू इन सोया चॉप। सो वी स्टार्ट विद ओके। सो हम पहले ऑयल डालेंगे इसमें, रेगुलर ऑयल, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम चॉप गार्लिक लेंगे, थोड़ा सा गार्लिक, अगर जो लोग लहसुन पसंद नहीं करते यू कैन स्किप द गार्लिक ऑल्सो, नॉट रिक्वायर्ड मच, बट गार्लिक अच्छा टेस्ट देता है। गार्लिक हल्का सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज जो ये डालेंगे। गार्लिक ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, हल्का भुनने दें इसको, थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मीठापन जो प्याज का है वो एक टेक्सचर देता है, क्योंकि इसमें दो तरह का हम टमाटो डाल रहे हैं, टमाटो प्यूरी और टमाटो चॉप भी है, तो इसमें थोड़ी सी खटास ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए प्याज की क्वांटिटी अच्छी रखें और उसको अच्छे से भुनने दें। सो प्याज भुन चुका है ऑलमोस्ट, टमाटर के लिए तैयार है, टमाटो हल्का सा जब लंपी हो जाए, थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। बड़ा तो प्लेन बड़ा धुआं भी निकलना चाहिए। चॉप टमाटो, चॉप टमाटो एंड प्यूरी टमाटो की ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, अभी हम इसमें चॉप चिली, ग्रीन चिली की बारीक कटा हुआ ये डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप इसमें देगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे स्पाइसेस का जो चाप मसाला है इसमें सारे इन्ग्रीडियंट मिक्स हैं, तो ड्राई मसालों का 10 मसालों की बजाय एक मसाला ही अपने आप में सफिशियंट है। के बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी, स्पाइस मसाला डालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला ना जले। तो हमारा पक्का जो मसाला है वो तैयार हो गया, अब इसमें हम डालेंगे चिली स्पाइस का चाप मसाला, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड है उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में डालते हैं, ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी क्रीम और गुड टेक्सचर टेस्ट, क्रीम टेक्सचर के लिए अगर ग्रेवी तीन डालने के बाद कई बार ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है, हम उसके लिए थोड़ा सा पानी और इसमें जो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चॉप जो है ये भी ग्रेवी को ऑब्जर्व करती है, तो इसकी क्वांटिटी
कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा हमें लिक्विड ही रखना पड़ेगा। अब हमने सोया चॉप डाल दिए, इसमें सोया चॉप हमने डाल दिया है, इसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही रखेंगे ताकि सोया चॉप जो है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर और मसाला अंदर तक चला जाए। सो हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, सोया चॉप रेडी है। तो करने थोड़ी देर हम इसको रख सकते हैं ढक्कन लगा के ताकि मॉइस्चर और मसाला जो है सोया चाप कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर। तो फटाफट बनने वाला पूजा स्पाइसेस सोया चाप मसाला तैयार है। मुझे भी आपके बनाए हुए सोया चाप मसाला स्पाइसेस से सोया चाप तैयार। थैंक यू सो मच शेफ, दिस इज रियली ग्रेट सेशन एंड बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा व्यूअर्स। आप लोग आगे हमारे रेसिपीज को देख सकते हैं pujaspices.com, पूजा स्पाइसेस यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, पूजा स्पाइसेस पेज आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू शेफ। पूजा स्पाइसेस आखिर क्यों? क्या आप झटपट स्वादिष्ट हेल्दी व कम तेल का खाना बनाना चाहते हैं? तो फिर पूजा स्पाइसेस आपकी ये सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, क्योंकि ये स्पाइसेस महिला द्वारा भूनकर तैयार किए गए सात्विक व स्वदेशी मसाले हैं, जिसकी सहायता से 250 ग्राम सब्जी में सिर्फ एक चम्मच मसाला और नमक डालकर आप हर सब्जी बना सकते हैं, जैसे चना, आलू, राजमा, मटर पनीर आदि। पूजा स्पाइसेस शिवोहम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर महिलाओं के रोजगार के लिए काम करता है। आप पूजा स्पाइसेस की मुहिम में कंज्यूमर या पार्टनर बनकर जुड़ सकते हैं। आपका एक योगदान बन सकता है किसी महिला के लिए वरदान। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पेज व YouTube पर हमारी रेसिपीज भी देख सकते हैं। धन्यवाद।